नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान राजेश में। इस वीडियो में आपको फार्मासिस्ट कैसे बनते हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का बटन भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फार्मासिस्ट बनने की पूरी प्रोसेस के बारे में। तो फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको दो में से किसी एक कोर्स को करने की जरूरत होती है। पहला है डी फार्मा और दूसरा है बी फार्मा। डी फार्मा 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसका पूरा नाम डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। फार्मासिस्ट बनने के लिए डी फार्मा न्यूनतम योग्यता होती है। दूसरे नंबर पे आता है बी फार्मा, इसका पूरा नाम बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है। बी फार्मा की वैल्यू डी फार्मा से अधिक होती है। बी फार्मा अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यह 4 वर्ष का होता है। लेकिन डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा 3 वर्ष का हो जाता है। बी फार्मा करने के बाद आप एम फार्मा भी कर सकते हैं, और एम फार्मा करने के बाद आप किसी विशेष फील्ड में स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। इसके साथ ही आप लेक्चरर के रूप में भी अपना करियर बना सकते हैं। बी फार्मा करने के बाद आप मेडिकल में सरकारी तथा प्राइवेट सेक्टर में आसानी से जॉब पा सकते हैं। बी फार्मा करने के बाद आप खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। सरकारी संस्थानों में जॉब के लिए वैकेंसी भी बराबर निकलती रहती है। अब बात की जाए इसकी एडमिशन भी, तो इसमें एडमिशन किस तरह से होता है, तो बी फार्मा के लिए या डी फार्मा के लिए किसी कॉलेज में आपको मेरिट के आधार पर एडमिशन मिल जाएगा। तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है। एंट्रेंस आप क्वालिफाई करेंगे तब वहां पर जा आपको एडमिशन मिल पाएगा। बी फार्मा और डी फार्मा की वीडियो हमने अलग से बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देख लीजिएगा। तो अब बात की जाए इसकी फीस की, तो बी फार्मा की फीस भी लगभग प्राइवेट कॉलेज में सरकारी कॉलेज की अपेक्षा अधिक होती है। प्राइवेट कॉलेज में अधिक फीस लगती है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट की अपेक्षा कम फीस लगती है। अब बात किया जाए इसकी सैलरी की, कि बी फार्मा के लिए बी फार्मा करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। तो अगर आपको दवाओं के बारे में अच्छी जानकारी है तो आपको प्राइवेट अस्पताल में 20 से 25 हज़ार आसानी से मिल सकते हैं। अनुभव बढ़ने के साथ साथ सैलरी भी बढ़ती जाएगी। वहीं अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। यदि आपने भी अपना इंटरमीडिएट का एग्जाम पीसीबी ग्रुप यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास आउट किया है तो मेडिकल क्षेत्र में बी फार्मा या डी फार्मा करके अपना करियर सेटअप कर सकते हैं। अभी मेडिकल सेक्टर में जॉब की बहुत संभावनाएं हैं। अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो बी फार्मा इसके लिए बेस्ट कोर्स होगा। कोशिश करें कि गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की वैल्यू अधिक होती है। इस वीडियो में हमने आपको फार्मासिस्ट बनने की पूरी प्रोसेस के बारे में बताया। आपको इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपके साथियों को भी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई करियर से रिलेटेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।